दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के पहले सीजन का ऑक्शन खत्म हो चुका है और ऐसे में 5 सभी टीमों का स्क्वाड भी घोषित कर दिया गया है। तो अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं, दिल्ली की टीम को सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब बारी है दिल्ली कैपिटल्स टीम की स्क्वाड बताने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैटिंग क्रम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज मेंग लेनिंग 1.10 करोड़ में बिकी है। वहीं फिर भारत की बेटी जेमिमा रोड्रिक्स को दिल्ली की टीम ने 2.20 करोड़ में खरीदा है। और फिर शेफाली वर्मा, जी हां, कौन नहीं जानता इन्हें, अंडर-19 वर्ल्ड कप विश्व विजेता, दिल्ली की टीम ने इन्हें भी 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर है लौरा हरीस 45 लाख, स्नेहा दीप्ति 30 लाख और जैसिया अख्तर को 20 लाख में खरीदा है। तो दिल्ली की टीम ने मुख्य रूप से 6 बल्लेबाजों को खरीदा है। और फिर बात करें विकेट कीपर बल्लेबाजों की, तानिया भाटिया 30 लाख और अपर्णा मंडल 10 लाख में शामिल हुई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। इसके बाद ऑलराउंडर की सूची पर नजर डालें तो जेस जॉनसन 50 लाख, फिर साउथ अफ्रीका की बेहतरीन ऑलराउंडर मिर्जाम कैप 1.5 करोड़ में बिकी है, शिखा पांडे 60 लाख में, राधा यादव 40 लाख में, मीनू मानी 30 लाख में, एलिस कैप्सी 75 लाख और अरुंधति रेड्डी 30 लाख में शामिल हुई हैं। बॉलरों की बात करें तो तैरा नॉरिस, जो कि यूएसए की खिलाड़ी और पहली खिलाड़ी हैं जो वुमेन्स प्रीमियर लीग में खेलेंगी, तो इन्होंने भी एक इतिहास ही रचा है। इन्हें 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा गया है। फिर पूनम यादव 30 लाख में और फिर टाइटस साधु को 25 लाख में टीम ने खरीदा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बल्लेबाजों के ऊपर अपनी खर्च ज्यादा की है, तो उनके लिए कारगर भी साबित हो सकता है।